उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक और बड़ा फैसला किया। बीजेपी अब लखनऊ में मायावती सरकार के कार्यकाल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक की तर्ज पर एक नया स्मारक बनाएगी। ये नया स्मारक दलितों की लामबंदी के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्मारक के लिए जमीन को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जून को लोकभवन सभागार में इसका शिलान्यास किया। बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल ही यूपी दौरे पर आए हैं। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अम्बेडकर सांस्कृतिक सेंटर का 29 जून को सुबह 11 बजे लोकभवन में शिलान्यास होगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। चुनाव से पहले दलितों को साधने में अब बीजेपी पार्टी जुट गई है और इसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। योगी सरकार लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाने की तैयारी कर रही है और इस स्मारक का शिलान्यास करने के लिए रामनाथ कोविंद 29 जून को लोकभवन पहुंचेंगे। लोकभवन में पहुंचकर 29 जून को अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी वहां पर मौजूद रहेंगे। योगी सरकार लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाएगी, जिससे आने वाले चुनाव में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में बीजेपी पार्टी लग गई है।